हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से, महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में किया हल्ला बोल प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमतों में की जा रही बढ़ोतरी के विरोध में सांसद निवास का किया घेराव। रायसिंह नगर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में सांसद निहाल चंद के निवास के बाहर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद निहाल चंद के निवास के बाहर चूल्हे पर लकड़ियों से रोटी पकाई गई। महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक ने बताया कि केंद्र सरकार की रसोई गैस व अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों में की जा रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में संगठन की जिला अध्यक्ष कमला बिश्नोई के नेतृत्व में सांसद निहाल चंद के आवास के बाहर चूल्हे पर लकड़ियों से रोटी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग हर महीने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे गरीब लोगों के घरों में रोटी बनाना भी मुश्किल हो गया है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। गैस के दाम कम करो। आज हम मोदी सरकार के नीतियों और रीतियों के विरोध, जो आज महंगाई की मार, सिलेंडरों के दाम आसमान को छू रहे हैं, इस मांग को लेकर हम सड़कों पर उतरी महिलाएं, गंगानगर में भी हमने प्रदर्शन किया। आज हम एमपी साहब के घर के आगे पूरा जोर शोर से प्रदर्शन कर रहे हैं। चाय भी बनाई है चूल्हे पर, रोटियां भी बना रहे हैं। और मैं यह बात कहना चाहती हूँ कि एमपी साहब कुछ तो शर्म करिए। गंगानगर के लोग, रायसा नगर के लोग, सभी ने आपको जिताकर पार्लियामेंट में भेजा और आज आप क्या हालात कर रखी है। आपकी जो ही बहन बेटी है बाहर बैठी है, आपको बाहर आना चाहिए था और इस मांग को पार्लियामेंट में रखना चाहिए था। जब जब हर महीने 50 रुपए की महंगा सिलेंडर, 100 रुपए महंगा सिलेंडर, चीनी महंगी, दाल महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड महंगा, किस किस पर महंगाई की मार करोगे? हमारी गरीब जनता जो आज हमारे साथ में बैठी है, क्या हालात है, महंगाई चरमों पर जा रही है। और जब 400 रुपए सिलेंडर था, समर्थी रानी जी हमेशा सिलेंडर ले हुए सड़कों पर बैठी रहती थी, आज वही समर्थी रानी है 1100 से पार ऊपर सिलेंडर जा रहा है और समर्थी रानी सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही। बड़ी शर्म की बात है। हमारे एमपी साहब चौथी पांचवी बार एमपी बन के पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, तप तपाते हैं, ताली पीटते हैं। अरे किस चीज़ की ताली पीट रहे हो आप? क्या खुशियाँ मना रहे हो? क्या हालात है गरीबों की, क्या हालात है लोगों की, जो सड़कों पर आज लगातार महंगाई के खिलाफ सिलेंडर ले महिलाएं घूम रही है? कुछ तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी और सांसद मैं निहाल चंद जी को कहना चाहती हूँ कि आप बाहर आकर इन महिलाओं की मांग को सुनकर और आप अपने बजट में वह रखते बात और लोगों तक बात जाती कि हमारे गंगानगर के एमपी हमारे लिए बोले हैं, ये बात आपके लिए शोभा नहीं दे रही। हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, रोटी भी यहाँ बनाएंगे और सब लोग यहाँ खाएंगे।